प्रेग्नेंट पेशेंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहिबा, बच्चे की हरकत कब फील होना स्टार्ट हो जाएगी। प्रेगनेंसी के बहुत स्टार्ट से तकरीबन 11 से 12 हफ्तों से होना शुरू हो जाती, पेशेंट को कब से ये हरकत महसूस होना शुरू होगी? वो खवातीन जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उनको तकरीबन 5 महीने से ऑनवर्ड्स यानी 20 वीक्स से ऑनवर्ड्स बच्चे की हरकत। लेकिन अगर आपको किसी भी दिन ऐसा महसूस हो या किसी भी टाइम ऐसा महसूस हो कि बच्चे की हरकत काफी देर से नहीं हुई, प्रेगनेंट पेशेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहिबा, बच्चे की हरकत कब फील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेशन बनाने का मकसद भी ये है ताकि आपको बच्चे की हरकत कब शुरू होती है और कितनी हरकत एक दिन में हो तो वो नॉर्मल कंसिडर होती है उसके बारे में गाइड किया जा सके। बच्चे की हरकत या मूवमेंट एक्चुअल में प्रेगनेंसी के बहुत स्टार्ट से तकरीबन 11 से 12 हफ्तों से होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसको सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे देखा जा सकता है और पेशेंट को वो हरकत महसूस नहीं होती। पेशेंट को कब से ये हरकत महसूस होना शुरू होगी? वो खवातीन जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उनको तकरीबन 5 महीने से ऑनवर्ड्स यानी 20 वीक से ऑनवर्ड्स बच्चे की हरकत पेट में एक टैप की सूरत में फील होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो खवातीन जिनके पहले से भी बच्चे हैं यानी उनकी सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी है, उनमें ये हरकत बाज़ुकात 4.5 महीने यानी 18 वीक से ऑनवर्ड भी फील होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की हरकत को मॉनिटर करना फीटल वेलबींग यानी बच्चे के ठीक होने का सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और मदर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसने अपने बच्चे की वेलबींग को डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करना है। बच्चे की हरकत अगर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे के दरमियान 10 मरतबा हो जाती है, आप एक दफ़ा काउंट करना स्टार्ट करें सुबह में। अगर 10 दफ़ा बच्चे की हरकत हो गई है तो अब आप काउंटिंग को छोड़कर अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे सकती हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी दिन ऐसा महसूस हो या किसी भी टाइम ऐसा महसूस हो कि बच्चे की हरकत काफ़ी देर से नहीं हुई, तो आपके लिए ये एडवाइज़ है कि आप बाकी के काम काज छोड़कर बाएं करवट पर लेटे, कोई भी ड्रिंक ले लें, रिफ्रेशिंग ड्रिंक लें और बाएं करवट पर लेटकर बच्चे की हरकत को महसूस करें। अगर फिर भी आपको बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती तो इट इज़ द हाई टाइम कि अब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगी और अल्ट्रासाउंड करा के बच्चे की सेहत के बारे में जानेंगी। बहुत सी खवातीन जो कि डे टू डे कामों में इस कदर मसरूफ रहती हैं कि वो बच्चे की हरकत को काउंट नहीं करती या उसके बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इम्पॉर्टेंट मैसेज आज का ये है कि बच्चे की हरकत बच्चे की सेहत को शो कर रही होती है और ये बता रही होती है कि बच्चा पेट में बिल्कुल नॉर्मल है। अगर किसी भी वक्त आपको लगता है कि हरकत कम महसूस हो रही है या आपको कुछ बेहतर महसूस नहीं होता, तो आपने डॉक्टर के पास जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है और जब हमल के लास्ट मंथ स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें 8th और 9th मंथ है, तो उन टाइम्स पे CTG नाम का एक टेस्ट किया जाता है जिसमें बच्चे के दिल की धड़कन का एक स्ट्रेट लाइन निकाली जाती है जिसे कार्डियोटोकोग्राफी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे की हरकत के बारे में ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।